हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी C61 फ़ोन में आप लोग OTG कनेक्ट कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास एक रियलमी C61 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको OTG कनेक्ट करना है, अगर आपके फ़ोन में OTG कनेक्ट नहीं हो रहे गाइस, OTG आप लोग लगा रहे हो, OTG में पेन ड्राइव, SSD कार्ड या मेमोरी कार्ड जो भी लगा रहे हो, वो आपके फाइल मैनेजर पे शो नहीं हो रहे, मतलब आपके फ़ोन के साथ जो आपका वो OTG कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में OTG को कनेक्ट कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। OTG कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस सिस्टम का, तो इस सिस्टम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा OTG कनेक्शन का, तो इस ऑप्शन को आपको ऑन करना होगा। हालांकि ये जो ऑप्शन है गाइस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है जब भी आप लोग अपने फ़ोन में OTG को लगाते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है गाइस ये ऑप्शन ऑन नहीं होता ऑटोमेटिकली। तो पहले तो आप लोग OTG को लगा लीजिए, उसके बाद इस सेटिंग पे आइए। अगर ये ऑन नहीं हो रही तो इसको आपको क्लिक करके ऑन करना है, और क्लिक करके ऑन करते ही आपके फ़ोन में OTG कनेक्ट हो जाएगा। अगर फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा गाइस OTG, तो आप लोग जो भी OTG को यूज़ कर रहे हो उसके जगह और एक दूसरा OTG को लगा के चेक करना है, क्योंकि अगर वो OTG ख़राब होगा तब भी आपके फ़ोन में OTG कनेक्ट नहीं होगा। तो एक बार आप लोग OTG को चेंज करके जो है एक बार चेक कर सकते हो। फिर भी नहीं हो रहे तो आपको अपने चार्जिंग पिन को चेक कर लेना है, चार्जिंग पिन ख़राब होने से भी OTG कनेक्ट नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने रियलमी C61 फ़ोन में आप लोग OTG कनेक्ट कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।